twins have been known to develop their own language that they only understand. मतलब twins लोगों का अपना own language होता है जो वो लोग ही समझते हैं. ऐसा हो सकता है बाकियों के साथ, क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं है. साइलेंट लैंग्वेज है जो हम समझते हैं, समझ जाते हैं. मतलब उसको कुछ बोलना रहता है, जैसे मतलब होता है कि एक नजर बोलते हैं, एक नजर काफी है. हम लोग की कोई अलग लैंग्वेज नहीं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं. बस किसी को टीज करना हो कभी तो हम लोग ऐसा इशारों सा ऐसे बात करते हैं. और वैसे भी मतलब अंदर से भी होता है, दिमाग बोलते हैं, दिमाग भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट. कभी कभी किसी को इशारे में बात कर दिया तो वो समझ भी जाएगा कि मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं. तो इसलिए हमको लोग डमशेराज में अलग ही रखते हैं, बोलते तुम लोग साथ में मत रहो. तुम सब जगह साथ में आते हो, सब कॉमन ही है, तुम कहाँ से लिंक निकालोगे और पहचान लोगे. Drinking milk could be twin inducing. ऐसा चांसेस है, मतलब ऐसे मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये फैक्ट, हाँ ये फैक्ट सच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मम्मी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाती है बट पनीर और दूध नहीं पीती ज्यादा, उसको उनको पसंद नहीं है. हम लोग को तो ट्विन्स है ही, मतलब दोनों को ट्विन्स है, हम दोनों दूध मत पीते. तो मेरे को नहीं लगता ऐसा सच हो सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट हम तो पीते हैं दोनों दूध मत. इसका आंसर भी आपको 5-6 साल बाद मालूम पड़ते. देखो जी, तो तू भी ट्राई कर ले. नहीं, आई डोंट वांट ट्विन्स. ना किसी को ट्राई करना तो कोई दूध पीला ज्यादा ट्विन्स इंड्यूसिंग. द एवरेज टाइम बिटवीन द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ट्विन्स इज 17 मिनट्स. हमारा 2 मिनट है. हाँ, हो सकता है, क्योंकि 126 को ये हुई और 136 को मैं हुई, मतलब 10 मिनट्स का डिफरेंस था. हम तो सिर्फ 2 मिनट है कि मैगी ये बाहर आया, मैंने मैगी बनाया और मैं बाहर. सब बोलते हैं कि ये मेरे को लात मार के बाहर आ गई, लात मार के नहीं, मेरे को दुनिया में आने की जल्दी. हाँ, घाई सब बोलते हैं. तो एवरेज टाइम 17 मिनट हो सकता है. तो पता नहीं, ये 17 मिनट तो ज्यादा लग रहा है. जुड़वे हमेशा साथ रहते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ जाते. हाँ, ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि 10th तक हम लोग भी हमेशा साथ में रहते थे. स्कूल एकेडमिकली भी किया है, वो सब साथ में ही किया है. मतलब ट्यूशन जाना है, गिटार क्लास जाना है, डांस क्लास जाना है, 7 to 12 एक साथ. कॉलेज में अलग अलग थे, बट मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल अलग है, इसके फ्रेंड सर्कल अलग है. कहाँ बाहर भी निकलते तो साथ में निकलते. मतलब कहीं भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं. साथ साथ रहने के साथ हम लोग के सेम सेम कपड़े भी होते थे. मतलब ट्विन्स है तो फिर इसका सेम कपड़े का पैटर्न, मेरा भी सेम ड्रेसिंग पैटर्न. लोगों को कंफ्यूज करने बोलेगा कि कैसे पता नहीं, पर साथ में ही जाते. 18-22% ऑफ द ट्विन्स लेफ्ट हैंडेड होते हैं. हम दोनों राइट ही है. 100 out of 18-20% है तो हो सकता है. मैं पहले लेफ्ट ही था, मैं जूनियर केजी में लेफ्ट ही था. मार मार के चेंज करवाया इसे, पता नहीं क्यों. हम भी राइट हैंडेड है, जिन को जानते वो भी राइट हैंडेड है. कोई राइट लेफ्ट हैंडेड भी नहीं है, सारे राइट राइट ही है. पेट्स कैन इजीली डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाई द ट्विन्स. हाँ, ये हो सकता है. मेरे को ऐसा लगता है कि पेट्स को सिक्स सेंस होता है, मतलब आइडेंटिफाई करने का. हमारे घर पे पेट्स नहीं है, वी डोंट हैव पेट्स एट होम. पापा रखने नहीं देते पेट. मम्मी को भी बहुत पसंद है मतलब पेट पालने के लिए. मतलब उसके इन लॉज के वहाँ पे है पेट्स, में जो मदर इन लॉ है उनके वहाँ पे पेट्स है. कभी भी निकिता देखती है ना तो हमेशा उसको भी लग जाता है वो. पर इसके पीछे भी मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है. ट्विन्स को पेट्स पहचान सकते हैं, डॉग्स सकते हैं. हाँ, हो सकता है. पेट्स में कैसा है कि अगर आप देखोगे तो डॉग्स कैट्स मतलब यूजुअली वो लोग सेम रहते हैं. मतलब डॉग्स को सिक्स सेंस है, दे आर इंटेलिजेंट. सेम ब्रीड में उसको पता चल जाता है कि ये है ये, तो शायद उनमें वो पावर होगा कि सेम दिखने वाले इंसान भी उन्हें पता चलता होगा कि हाँ ये है वो. नदी के दो किनारे हैं, नजरिए बहनों के न्यारे हैं, वानी रानी एक सूरत में दो कहानी. पावर्ड बाय एक्सिस बैंक, 7 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार 8:00 से 7:00 बजे एंड टीवी पर.